हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेबी छोटा फ्रॉक बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। ये कुछ आर्म होल के लिए पट्टियाँ, क्रॉस पट्टी निकाली है, और ये गले में जो हम डोरी लगाएंगे वो एक निकाली है मैंने इस तरह से 3 इंचेस चौड़ी, और आपको जितनी लेंथ चाहिए उतनी ले सकते। और ये मैंने 2 पीसेस फैब्रिक लिया है इस तरह से। इसको मैंने 4 फोल्ड किया है। इस तरह से मैंने इसका लेंथ ली। इसकी लेंथ ली 16 इंचेस 16 इंच, और इसकी चौड़ाई ली मैंने 12 इंच। तो मैंने इसको इस तरह से 4 फोल्ड किया है। यहाँ से मैं जो ओपन साइड है और यहाँ से बंद साइड है, तो मैं यहाँ से 2 इंचेस लूँगी आर्म होल के लिए, और यहाँ से 4 इंचेस। तो मैं इसको आर्म होल का शेप दूँगी। इस तरह से, और यहाँ से थोड़ा सा अंदर की ओर इस तरह से शेप दूँगी। से सेप देंगे और इसको कट करेंगे। यहाँ पे हम नेक नहीं निकालेंगे, शोल्डर भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ यहाँ से इस तरह से सिलाई देने के बाद यहाँ पे हम डोरी डालेंगे। पहले हम साइड के दोनों जॉइंट करेंगे, और यहाँ से हम नीचे के साइड को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई देंगे। बॉटम को हम यहाँ पे सिलाई देंगे और मोल के यहाँ से हम नीचे की ओर सिलाई देंगे। दोनों साइड को जॉइन कर लेंगे। अब हम नीचे के साइड को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई देंगे। अब हम इसको ये जो हमने क्रॉस पट्टी निकाली है इसको हम रॉन्ग साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई देंगे, और बाद में हम इसको इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ हम आर्म होल को ज्वाइन करेंगे क्रॉस पट्टी।
करेंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिले देंगे। इस तरह से दूसरे साइड को भी हम इस तरह से जॉइंट करेंगे पट्टी। इस तरह से हमने दोनों आर्म होल को एक पाइपिंग जॉइंट करी है। अब हम इसको रॉन्ग साइड से इस तरह से एक इंच पे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से थोड़ा और एक इंच इसी यहाँ पे सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे यहाँ से गले की डोरी डाल सक। इस तरह से दूसरे साइड को भी हम इस तरह सिलाई देंगे। अब हम ये डोरी बनाएंगे। इसके लिए हम पहले इसको इस तरह से फोल्ड करके इतनी चौड़ी पट्टी बनाएंगे और इसको सिलाई देंगे ताकि इतनी चौड़ी पट्टी जो हमने सिलाई दी इसके अंदर से आसानी से जा सके। तो हम इसको अभी इस तरह से सिलेंगे। से डोरी बनाने के बाद अब मैं डोरी को पिन से इसको इसके अंदर डालूंगी। अब हम दूसरे साइड से आर्म होल की तरफ डालेंगे इस तरह से। इनको निकल लेंगे। इस
तरह से दोनों बराबर करेंगे हम, इस तरह से इतना साइड में हम रखेंगे। और यहाँ पे हम इस तरह से गांठ लगा के और यहाँ हम फ्रंट साइड को ये फूल लगाएंगे, इस तरह से यहाँ पे सिल लेंगे उसको। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।